20वें पारे की एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफु सुआ, ये 20वें पारे के पहले सफे पे है, ये याद रखिएगा। पहले ही सफे पर जिसको कुरान पढ़ना आता है उसको बिठाएं, उससे पूछें वो आयत किधर है, शुरू के अंदर ही है, चार पांच सत्रों के बाद। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफु सुआ, जो ये पढ़ेगा अब सुनिए उसको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कि इस आयत को जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा, उसके बाद अगर वो दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिल फोर उसकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे, और अगर हां फिल फोर कबूल फरमाएंगे, और अगर अल्लाह अपने इल्म से जानते हैं कि थोड़ी देर बाद इसका कबूल होना जरूरी है, थोड़ी देर बाद कबूल करेंगे। इस विर्द का करने वाले की औलाद को अच्छे रिश्ते मिलेंगे, जो इस विर्द का एहतमाम करेगा हर नमाज के बाद एक दफा, उसको या उसकी औलाद को अल्लाह अच्छे रिश्ते देगा। इस विर्द इस आयत के पढ़ने वाले को जब ये किसी मुश्किल में फंसेगा, और अगर इसकी जुबान से उस वक्त निकला, अब मैं जब आपसे मोबाइल छीनने आता है ना कोई, उस वक्त ये दुआ पढ़ो, उसको नजर ही नहीं आओगे, उसको नजर ही, उस जालिम को आप नजर ही नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गर्दन पकड़ लेना, अगर किसी को देखोगे मोबाइल छीनने आ रहा है, ये दुआ पढ़ो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफुस सुआ, अल्लाह उस जालिम को हिम्मत ही नहीं देगा आपके पास आने की। जो हां, और अगर कोई गम मुसलसल 6-7 दिनों से आपकी तरफ मुतवज्जे है, कोई खौफ या कोई गम आपकी तरफ मुतवज्जे है, मां बाप में से किसी का इंतकाल, भाई बहनों में से किसी का इंतकाल, औलाद की तरफ से कोई गम मिल रहा है, इसका विर्द बढ़ा दो, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़कर इसको 300 दफा दिन में पढ़ो, अल्लाह उस गम और खौफ को दूर कर देगा। ये विर्द कर पढ़ने वाला अल्लाह कभी इसको नामुराद नहीं करेगा, ये जो दुआ मांगेगा अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफुस सुआ, अल्लाह इसकी दुआ पूरी करेगा। और आखिर वाली बात तो सबसे अच्छी है कि वो अल्लाह, वो हमसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह, जो इसका विर्द दिन में 300 दफा करेगा, अल्लाह उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर देगा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफुस सुआ,